हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू योर फेवरेट, माय फेवरेट, पूरे इंडिया का फेवरेट चेतन मलिक क्लासेस। कैसे है बेटा आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग रियली वेल। सब लोग अपने सी इंटर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं सी इंटरमीडिएट या जो कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत बच्चों के मेरे पास सवाल आते हैं कि सर हाउ टू प्लान लास्ट 90 डेज। हमारे पास 3 महीने का समय है, हमें सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है, तो हमें कैसे प्लान करना चाहिए। तो मैं आज आपके साथ मिला हूं आपको एग्जैक्ट 90 डेज का प्लान बताने के लिए कि आपको 90 डेज के आखिरी के जो 90 दिन है उसमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक रैंक होल्डर हूं और मेरी इंटर में और फाइनल में भी रैंक है, सीएस एग्जीक्यूटिव में और सीएस प्रोफेशनल में भी रैंक है। तो मैं आपको जो स्केड्यूल बताने वाला हूं वो आपको इस हिसाब से बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ा था या मैं कैसे पढ़ता अगर आपकी जगह पे होता। ये स्केड्यूल फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, और जिस बच्चे को लगता है कि मुझे नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए, तो आप इसको हल्का फुल्का मोल्ड कर सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली मेरी सोच के हिसाब से है, मेरी सोच है इसमें जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए था या जो मैंने किया था। अगर आपको लगता है इसमें हल्का फुल्का हम ऑल्टरनेटिव कुछ चेंज कर सकते हैं, तो दैट इज योर विश। मैं आपको बताने वाला हूं एग्जैक्ट आपको कैसे 90 डेज में अपनी बोथ ग्रुप की या जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। तो आओ जी शुरुआत करते हैं, मैं आपके लिए लेके आया हूं 90 डेज का ये प्लान। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने अपने 90 डेज को जो बांटा है वो कैसे बांटा है। 90 डेज को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहले 40 दिन यानी लगभग 40 दिन हो गए पहले आपके, उसके बाद मैंने बांटा जी 24 दिन, और 24 दिन के बाद जो मैंने बांटा है आपके सिलेबस को, दैट इज बेसिकली 16 दिन। मैंने 3 हिस्सों में आपके सिलेबस को बांटा है। 90 दिन को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, 40 दिन, 24 दिन और 16 दिन। 40 दिन 5 दिन पर सब्जेक्ट के हिसाब से, 5 डेज पर सब्जेक्ट हम लोग रिवीजन के लगाएंगे। फर्स्ट रिवीजन जो आपकी होनी चाहिए उसमें हम 5 दिन आपको दे रहे हैं, और क्या पढ़ना है सर, कैसे पढ़ना है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। सेकेंड रिवीजन के लिए मैं आपको दे रहा हूं 3 दिन पर सब्जेक्ट, और थर्ड रिवीजन के लिए मैं आपको दूंगा 2 दिन पर सब्जेक्ट। अब सर क्या करना क्या चाहिए? अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अगर आप वैसे टाइप के बच्चे हो 12 से 14 घंटे एक सब्जेक्ट को दे सकते हो, तो सिंगल सब्जेक्ट उठाया आपने, सब लाइन वाइज टैक्स उठाया, कॉस्ट उठाया, लॉ उठाया, अकाउंट्स उठाई, 5-5 दिन लगा के आपने सिलेबस खत्म कर दिया और सारे रिवीजन कर ली। नहीं सर, हम लोग पूरा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो आपको फिर 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम उठाने चाहिए। टैक्स और लॉ उठा लो, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, और कॉस्ट और अकाउंट्स उठा लो, दोनों ही अप्रोक्सीमेटली एक अच्छा लेवल आपका बन जाएगा। तो फिर आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली 5 दिन पर सब्जेक्ट नहीं है, 10 दिन है फॉर 2 सब्जेक्ट्स। आप आधा दिन टैक्स पढ़ो, आधा दिन लॉ पढ़ो, ऐसा करो, और ऐसे आपके पास 10 डेज आपको मिल जाएंगे टू कवर अप योर 2 सब्जेक्ट्स। इस तरीके से आप 5 दिन पर सब्जेक्ट का एवरेज लेके 40 दिन में आपको पहली रिविजन अपनी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। मतलब मैंने जो उसके लिए बनाया मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, स्टडी 1 सब्जेक्ट इन 5 डेज और स्टार्ट विद 2 इन 10 डेज, या आप 2 सब्जेक्ट उठा लो कोई भी और 10-10 दिन देते रहो और स्टार्ट करते रहो। इस तरीके से आपके 8 पेपर रिवाइज हो जाएंगे। सर जो बच्चा ग्रुप 1 दे रहा हो सिर्फ या सिंगल ग्रुप दे रहा हो, वो क्या करे, वो भी यही फॉलो करे, वो ग्रुप 2 की जगह अपना ग्रुप 1 दोबारा कर ले। मतलब एक सिंगल ग्रुप किया 10 दिन में 2 सब्जेक्ट, 10 दिन में 2 सब्जेक्ट, 20 दिन में उसके 4 पेपर खत्म हो गए, फिर अगले 20 दिन में वो 4 पेपर दोबारा करें। इससे होगा क्या, मैंने 3 रिवीजन प्लान किया, आपकी 6 रिवीजन हो जाएंगी जो सिंगल ग्रुप दे रहा है। और सिंगल ग्रुप के लिए तो 90 डेज इतने ज्यादा सफिशिएंट है कि अगर आप 6 रिवीजन करके एग्जाम में जा रहे हो तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता सीए इंटर एक बार में क्लियर करने से। तो मैंने उसके लिए जो बनाया कि जो बच्चे आप नवंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं या आप कभी भी एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जैक्ट 90 डेज को आप कैसे यूज करेंगे। तो आपको सर पढ़ना क्या है, अब चौथे पॉइंट में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया, आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, जो हमने कॉपी में हैंड रिटन नोट्स मैंने आपके बनवाए हैं हर सब्जेक्ट में जो भी आपके कॉपी में नोट्स बनवाए गए हैं उसको आप गो थ्रू करें बहुत अच्छे से। वो समराइज्ड वे में बहुत अच्छी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है हर सब्जेक्ट के बारे में, हर कॉन्सेप्ट के बारे में, उसको आप डिटेल में पढ़ें। सबसे पहला स्टेप यही है कि मैं कॉपी के नोट्स पढ़ूंगा तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने विद एग्जांपल किए हैं वो आपके ब्रशअप हो जाएंगे। उसके बाद सर क्या करूं, उसके बाद बुक निकालो, बुक में सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके सॉल्व गिवन है, जो मैंने आपको बुक दे रखी है सीएमसी की तरफ से, जो आपको बुक मिली है सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व। और पहले दिन और क्लास के आखिरी दिन
मैं क्या चैलेंज लेता हूं कि हमारी बुक में से कम 90% पेपर अगर आपको एग्जाम में ना दिखा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे पूरी सीएमसी की टीम। तो आपको सिर्फ करना क्या है, ये मैं बोल रहा हूं कम से कम, मैं गारंटी से कह सकता हूं पूरा 120 नंबर का पेपर बुक में से होगा, लेकिन कम से कम 90 नंबर का पेपर है, अनसर्टेनिटी कहीं पे भी हो सकती है। तो खैर फिलहाल आपको करना क्या चाहिए, कॉपी के नोट्स पढ़े, सारे क्वेश्चन आंसर विदाउट लीविंग अ सिंगल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं। सर क्या बुक में करने हैं या लिख के करने हैं, प्रैक्टिकल आप सारे सवाल अपनी आंखों के आगे से बुक में ही सॉल्व करो, पहला स्टेप बुक में ही सॉल्व करो, और उसके बाद 20-30% मतलब हर 10 में से 3 सवाल आपको लिख के कर लेने चाहिए। क्योंकि अभी हमारा टाइम क्या है, मतलब ये एक रैंक होल्डर की सोच है, ये एक रैंक होल्डर की सोच है, अभी मेरा टाइम क्या है कि मेरे कोई सवाल छूटना नहीं चाहिए, सारे सवाल 3-4 बार मेरी आंखों के आगे से निकलने चाहिए बिफोर एग्जाम। ये मेरी सोच है, आपकी सोच अलग हो सकती है, किसी और टीचर की सोच अलग हो सकती है, ये मेरी सोच है जो मैंने करके अपने जीवन में सीए इंटर में रैंक 10th और सीए फाइनल में रैंक 13 लेके आया। मैंने अभी राइटिंग प्रैक्टिस कम क्यों की आपकी, कि 2-3 बार आप 2-3 सवाल लिखो, 20-30% आउट ऑफ एवरी 10 आप 2-3 सवाल लिखो, क्योंकि अभी टाइम क्या है कि जितनी ज्यादा बार और जितने ज्यादा सवाल मेरी आंखों के आगे से निकलेंगे उतनी मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मुझे एग्जाम में सारे सवाल आते हैं। सर फिर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी, टेस्ट लेंगे ना आपके, अभी आगे तो चलो फुल सिलेबस के टेस्ट आपके प्लान्ड है, वहां पे होती है। फुल सिलेबस के टेस्ट में बेसिकली क्या चेक होगा कि क्या जब राइटिंग की बारी आई तो क्या 3 घंटे में पेपर दे पा रहा हूं, क्या मैं नर्वस तो नहीं हो रहा, ये सारे फैक्टर्स आपके वहां चेक होते हैं। अभी का हमारा एम क्या है, अभी का हमारा एम क्या है, ज्यादा से ज्यादा सवाल मेरी आंखों के आगे से ज्यादा बार निकलने चाहिए, सीधी सी बात यही है। तो आपको करना क्या है, सारे सवाल सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस गिवन है, आप लाइन से शुरू करो और सारे सॉल्यूशन चेक करो बुक में, ठीक है नहीं है बुक में सॉल्व करो अपने रफ में, ये कैसे आए कैसे है, कैलकुलेटर लेके बैठो और थ्योरी सारी रीडिंग लगाते रहो, क्वेश्चन आंसर्स कैसे एग्जाम में आते हैं हमारी बुक में से पढ़ लो, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। उसके बाद साथ साथ ये मेरी बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो मैंने अपने जीवन में किया था, आपको क्वेश्चंस को 2 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। जो सवाल आपको आसान लग रहे हैं एक बार में हो गए हैं उन पे ई लिख लो यानी इजी, और जो आपको लगा कि यार ये मुझे दिक्कत दे गया, हर किसी का स्टार वाला सवाल अलग हो सकता है, किसी को कोई सवाल दिक्कत दे सकता है, किसी को कोई लग दे सकता है, जो आपसे एक बार में सॉल्व नहीं हो रहा या आपको दिक्कत दे रहा है उस पे स्टार मार्क करो, उसको अच्छे से करो और 2 टाइप में आप सवालों को बांट लो, या तो ई से इजी या स्टार मार्क कर लो कि भाई ये सवाल मुझे दिक्कत दे सकता है, इजी तो हो गया वो तो एग्जाम में भी हो जाएगा, ये मुझे एग्जाम में दिक्कत दे सकता है, इसको मैं अगली बार जब मैं रिवीजन करने सेकंड टाइम आऊंगा इसको जब इस पे आऊंगा तो थोड़ा स्लो हो जाऊंगा और इसको फोड़ दूंगा, मैं इसको अच्छे से करूंगा ताकि 2-3 बार ये सवाल अगर एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि अगर 10 में से 3 सवाल स्टार वाले हैं, जो अच्छे लेवल के सवाल हैं, उसे मुझे ज्यादा फोकस से पढ़ना है एज कंपेयर टू इजी सवाल। इजी को 2 बार भी रिवाइज करोगे, स्टार वालों को 3 बार कर लोगे, मजा आ जाएगा पेपर में। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जो आपको बाकियों से अलग कर देते हैं। तो सर पहले 40 दिन में आपकी रिवीजन हो गई, पहले 40 दिन में 5 दिन पर सब्जेक्ट या 10 दिन फॉर एवरी 2 सब्जेक्ट्स आप लोगे, उसमें कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। तो पहले 40 दिन का मैंने आपको फर्स्ट रिवीजन बताया, आपको करना क्या है, कॉपी नोट्स पढ़ो और सारे सवाल विद आंसर्स अपनी आंखों के आगे से निकालो और 20-30% लिख लो और इजी और स्टार मार्क कर लो, जिससे कि एक बार मेरी सारी एनालिसिस मंथन मेरा हो गया। तो आप 1-10 तारीख पहले 10 दिन में आप टैक्स प्लस लॉ पढ़ें, ये मेरी सोच है, आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। 11-20 में आप कॉस्ट प्लस अकाउंट्स पढ़ें, जो ग्रुप 1 दे रहे हैं सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो वापस से टैक्स लॉ और कॉस्ट अकाउंट्स पढ़ें, और जो ग्रुप 2 भी दे रहे हैं वो 21-30 में अपना एफएमई को और ऑडिट पढ़ें, और 1-10 तक आप नेक्स्ट मंथ की 1-10 तक एडवांस अकाउंट्स और ईआईएस एसएम पढ़ें। ये हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आपको 6 दिन लग जाए, किसी में 4 दिन लग जाए, तो वो कॉम्बैट हो जाएगा आपका, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए लेकिन सारे क्वेश्चन आंसर्स मेरी आंखों के आगे से निकलने चाहिए एटलीस्ट 3-4 बार बिफोर गोइंग इनटू एग्जाम हॉल, ठीक है जी। और ग्रुप 1 के हमारे चैप्टर वाइज सारे टेस्ट हो चुके हैं, ग्रुप 2 क्योंकि अभी अभी खत्म हुआ है तो इसके टेस्ट हम लोग हमारी एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे। जिन बच्चों ने हमारे से क्लासेस ले रखी हैं और टेस्ट अभी पेंडिंग है, तो आपको करना क्या है, जैसे 21-30 में आपका एफएमई को ऑडिट हुआ तो वहां पे
चार चार तीन तीन चैप्टर के टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपके डले हुए हैं। सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है, आपने क्या करना है, जैसे आपके तीन चार चैप्टर हुए वहां से टेस्ट निकाला, करा, सॉल्यूशन चेक किया, हो गया, और कोई दिक्कत है तो हमारे को टीचर को व्हाट्सएप कर दिया। ग्रुप टू के जो चैप्टर वाइज टेस्ट हमारे पेंडिंग है, बिकॉज अभी अभी ग्रुप टू हुआ है, खत्म हुआ है बोथ ग्रुप का कोर्स, तो आप ग्रुप टू के टेस्ट ऐसे देंगे आपकी एप्लीकेशन पे, हमारी एप्लीकेशन जिसका डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन में जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनको वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ग्रुप टू की। सर सेकंड रिवीजन आ गई, अब सेकंड रिवीजन आपको कितने दिन में करनी है, 24 दिन, 3 दिन पर सब्जेक्ट, और यू कैन से 6 डेज फॉर एवरी 2 सब्जेक्ट्स, वो आपके ऊपर है। ठीक है, सेकंड रिवीजन में क्या करोगे, अगर आपको लगता है कॉपी के नोट्स मुझे सारे कॉन्सेप्ट आते हैं और कॉपी के नोट्स मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप कॉपी के नोट्स को आप स्किप कर सकते हो। अब मेरा टारगेट धीरे 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 एग्जाम ओरिएंटेड होता जा रहा है, मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है, जो सवाल एग्जाम में आने हैं मैं उनको 10 बार करके जाऊंगा, उसको बार बार करके जाऊंगा, तो मेरा एग्जाम क्लियर होगा। ज्ञान लेने का समय, नॉलेज लेने का समय होता है ड्यूरिंग द बैच, जितना आप एग्जाम के पास पहुंचते जाते हो आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए, जो एग्जाम में आएगा। सर अब ये बता दो, तो अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपको दोबारा देखने की जरूरत पड़ रही है तो कॉपी के नोट्स पढ़ो, अदरवाइज अगेन यू हैव टू डू द फॉलोइंग। क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी आंखों के आगे से निकालो, 20-30% जो 2-3 सवाल पहले लिख के देख लिए फर्स्ट रिविजन में, अब उसको मत लिखो, अब कोई और 2-3 सवाल लिख के देख लो, 3 पहले लिख लिए 10 में से, 30% अभी लिख लिया, 60% तो लिख के देख लिए। स्मार्ट वर्क जरूरी है जिंदगी में, तभी रैंक आती है। कोई 10 में से कोई 2-3 सवाल फिर लिख के देख लो जो पहले नहीं लिखे थे, और ट्राई स्टार वाले लिखो, जो आप जिसमें आप अटके थे, जो पहली रिवीजन में आपने स्टार मार्क किया था जिनमें आप अटके थे, उनको लिख के देख लो, इस बार उनको लिख के देख लो, जिंदगी सफल हो जाएगी। करना क्या है, वही 6-6 दिन लगाओ टैक्स प्लस लॉ, अगले 6 दिन कॉस्ट प्लस अकाउंट्स, अगले 6 दिन एफएमई को ऑडिट, उससे अगले 6 दिन एडवांस अकाउंट्स और ईएसएसएम, जो ग्रुप 1 दे रहे हैं या सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो फिर इसको रिपीट करेंगे, टैक्स लॉ कॉस्ट अकाउंट्स, ऐसा करके आप रिपीट कर सकते हैं। जो बच्चा सिंगल ग्रुप दे रहा है और अगर आप 6 बार रिवाइज करके एग्जाम में जा रहे हो, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता पास होने से। और जो बोथ ग्रुप भी दे रहे हैं, 3 बार रिविजन इज सफिशियंट, अगर आप सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी आंखों के आगे से 3 बार निकाल के लेके जा रहे हो, स्टार वालों को लिख के लेके जा रहे हो, इससे बाहर पेपर आना ही नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड रिवीजन में क्या करना है, अब थर्ड रिवीजन में थोड़ा पैटर्न चेंज है। पैटर्न क्यों चेंज है, अब हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, रीजन बीइंग एग्जाम पास आते जा रहे हैं तो मुझे रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, बिकॉज जितना रिवर्स में पढ़ूंगा उतने मेरे पेपर शुरू के अच्छे होंगे, और शुरू के अच्छे होंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा तो मैं लास्ट तक अच्छा परफॉर्म करता रहूंगा। शुरू के ही पेपर अगर मेरे थोड़े से कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है और मैं लास्ट तक परफॉर्म नहीं कर पाता हूं। लेकिन ये सोच नहीं रखनी है आपको, अगर पहला अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरे में कवर करो, दूसरा नहीं हुआ तीसरे में करो, तीसरा नहीं हुआ चौथे में करो, चौथा नहीं हुआ पांचवें में करो, 8वें पेपर तक होप नहीं छोड़नी है। एक एक नंबर से गाड़ी आगे निकल जाती है, एक एक नंबर से गाड़ी रह जाती है, 8वें पेपर तक होप नहीं छोड़नी है, और उसके बाद रिजल्ट तक बी पॉजिटिव, दैट्स इट। पॉजिटिव रहोगे सब हो जाएगा, नेगेटिव रहोगे अगला पेपर पे इंपैक्ट आएगा। 40 नंबर लाना किसी भी पेपर में कोई बड़ी बात नहीं, क्या बात कर दी 40 नंबर के, तो मैं तुम्हें ऐसे सवाल बता दूंगा जो मैंने तुम्हें क्लास में बता भी रखे, ये कर जाओ 40 तो तुम्हारे यूं ही आ गए। खैर मुझे 40 की बात करनी नहीं है, बींग अ रैंक होल्डर मैं रैंक की बात करता हूं सिर्फ। ठीक है, तो अगर आप रैंक के लिए तैयार करके जाओगे, टॉप 10 के लिए तैयार करके जाओगे, तो कहीं ना कहीं टॉप 50 में तो आ ही जाओगे, टॉप 50 में भी नहीं आए तो पास तो हो ही जाओगे, लोग पास नहीं होते सीए में। ठीक है ना, तो अब आपको उल्टे ऑर्डर में पढ़ना है, और यहां पे अब आपका क्या होगा, फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज। आपके 4 तारीख तक सेकेंड रिविजन कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको क्या करना चाहिए, 2 दिन लगाओ पेपर नंबर 8 पढ़ो, 5 और 6 तारीख को, 7 को हमें उसका फुल सिलेबस का टेस्ट दे दो, उसके बाद 8-9 पढ़ो पेपर नंबर 7, उसके बाद 10 तारीख को उसका हमारे को टेस्ट दे दो, 11-12 पढ़ो पेपर नंबर 6, 13 तारीख को हमें उसका फुल सिलेबस का टेस्ट दे दो, 14-15 पढ़ो पेपर नंबर 5, 16 तारीख को हमें उसका टेस्ट दे दो। जो बच्चे सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ले, वो 4-3-2-1 पढ़ ले, फिर 4-3-2-1 दोबारा पढ़ ले। जो सेकंड ग्रुप दे रहे हैं पेपर 8-7-6-5 दो बार कर लो ना आप, क्या दिक्कत है। फिर आप 17-18 को पेपर नंबर 4 की तैयारी करोगे, 19 को हमें टेस्ट दे दो, 20-21 को तैयारी करो, थर्ड रिवीजन चल रही है हमारी, ये 20-21 को थर्ड पेपर नंबर 3 पढ़ो,
22 को हमें टेस्ट दे दो, 23-24 को पढ़ो, 25 को हमें टेस्ट दे दो, 26-27 को पढ़ो, 28 को हमें आप टेस्ट दे दो फुल सिलेबस का। तीन रिवीजन हो गई, सिंगल ग्रुप वालों की 6 रिवीजन हो गई, फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज हो गई, सारे इजी सवाल मुझे आते हैं, स्टार वाले मैंने लिख के देख लिए हैं, 3 बार मैं क्वेश्चन आंसर सारे पढ़ के जा रहा हूं। आई एम फुली कॉन्फिडेंट अभी भी आपके 10-15 दिन बचेंगे, अभी भी आपके 10-15 डेज आपके बच जाएंगे। और उसमें सर मुझे क्या करना चाहिए, अगेन यही पैटर्न से, इसी पैटर्न से आपको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना चाहिए सर। रिवर्स ऑर्डर क्यों, क्योंकि जितना लास्ट में पेपर वन पढ़ोगे पेपर वन उतना अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस में अगर हम मिलेगा हमारे को तो हमारे सारे पेपर लाइन से अच्छे होते चले जाएंगे। ये हमारी पूरी 90 डेज की एक डीप स्टडी प्लानिंग है, जो बच्चा इसे फॉलो करेगा मुझे पूरी उम्मीद है वो एक बार में सीए एंटर बड़े आराम से निकाल सकता है। जो बच्चा फॉलो नहीं करेगा वो अपनी इच्छा, हो सकता है इससे बेटर प्लान किसी के पास हो, आपसे ज्यादा अच्छा आपको कोई नहीं जानता। तो अगर आपको लगता है कि ये प्लान मेरे से फॉलो हो जाएगा, सर की रैंक ऐसे ही तरीके से आई थी, मैं भी रैंक लेके आना चाहता हूं या चाहती हूं और मेरी रैंक आ सकती है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। मैंने सारी चीजों को ध्यान में रखा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पढ़ाई करते टाइम, मैंने सारी चीजों को ध्यान में रखा है, लेकिन 2-3 चीजें मैं फिर भी आपको बता देता हूं। एटलीस्ट ट्राई टू वेक अप एट 5 or 6 AM इन द मॉर्निंग, 6 बजे उठे आप, 7 बजे तक फ्रेश होके, सुबह का जो 4-5 घंटे का स्लॉट होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा स्लॉट होता है, उसमें आप फुली कॉन्सेंट्रेशन से पूरे फोकस से पढ़ सकते हैं। 7 बजे से लेके कम से कम 10 बजे तक पहले 3 घंटे दबा के पढ़े, फिर आधे घंटे का रेस्ट ले, ब्रेकफास्ट करें, फिर आप 2 बजे तक पढ़े, फिर आधे घंटे का रेस्ट ले, ब्रेक लंच करें, फिर 3-4 घंटे पढ़े, फिर इवनिंग में आधे घंटे का रेस्ट ले और अपना चाय पानी पिए, फिर रात को 10-11 बजे तक पढ़े और प्रॉपर स्लीप लें 7-8 घंटे, और 6-7 घंटे की आप प्रॉपर स्लीप लें। लेकिन 7 घंटे से ऊपर अभी आपको इन 90 दिन नहीं सोना चाहिए, 8-6 डिपेंडिंग अपॉन आपको कितनी नींद में सेटिस्फैक्शन हो जाती है। जिसने ये आखिरी 90 दिन ढंग से पढ़ लिए, पिछले 6 महीने की मेहनत सफल हो जाएगी, माता पिता ने जो आपके ऊपर पैसा लगाया माता पिता की मेहनत सफल हो जाएगी, एंड यू आर द ओनली वन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप करना चाहो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वी आर देयर टू गाइड यू एट ईच एंड एवरी मोमेंट, हम हैं यहां पे आपको गाइड करने के लिए, आपका साथ देने के लिए, लेकिन मेहनत तो बेटा आपको ही करनी है, मेहनत तो आपको करनी है और आप कर सकते हो। लुक इन टू माई आईज, आप कर सकते हो। जब मैं कर सकता हूं, रैंक लेके आ सकता हूं, सीए के साथ साथ सीएस और रेगुलर कॉलेज कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। जस्ट गिव मी वन रीजन, रीजंस और बहाने अनसक्सेसफुल लोगों के पास होते हैं, सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के पास बहाने नहीं होते। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि मुझे कोई बहाना चाहिए या मुझे सक्सेस पानी है और मुझे एक बार में सीए एंटर करना है या नहीं करना है। होपफुली ये प्लान आपको अच्छा लगा होगा, एंड जिस बच्चे को भी क्लासेस चाहिए, अगर आपको कोई क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो बहुत ही बेहतरीन फीस में हम पूरी सीए इंटर की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस आप घर बैठ के देख सकते हो मोबाइल या लैपटॉप में, और उसकी अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग्स भी हम आपको देते हैं व्यूज के लिए, अनलिमिटेड टाइम्स आप उसको देख सकते हो टिल योर अटेम्प्ट। और जो बच्चों ने हमसे पढ़ा हुआ है, कोई कॉन्सेप्ट भूल गए हो, आप उस कॉन्सेप्ट को स्पीड तेज करके फटाफट वीडियो देख लेना, कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। सारी क्लासेस आपके पास हैं, लेकिन अब पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, ताली दो हाथ से बजती है, हमारे हाथ से बज चुकी है, अब आपका समय है। ये 3 महीने अच्छे से मेहनत कर लो, जिंदगी सफल हो जाएगी। मेरा काम था आपको गाइड करने का, मेहनत अब आपको करनी है। और जो बच्चा अगर कोई क्लासेस के लिए एडमिशन लेना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है जी। तो होपफुली ये प्लान आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये प्लान को फॉलो करना चाहिए, कुछ प्लस माइनस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों रिजल्ट वाले दिन, पॉजिटिव रिजल्ट वाले दिन विद मिठाई। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। यू कैन डू